Hello students, myself Bharinder Dagur. I am taking your class on the podium of Tagore English Academy. I am going to teach you with a question story writing, right? अब question के साथ आपको story कैसे maintain की जाती है वो आप इस class में आपको हम बताएंगे. तो एक simple सा एक question लेते हैं जिससे इजी आप easily understand कर सकें. तो simple से question में क्या है कि देखिए, एक question है, it was a hot summer. क्वेश्चन क्या आ रहा है? इट वॉज ए हॉट समर. इट वॉज ए हॉट समर डे. अ लॉयन वॉज फीलिंग अ लॉयन वॉज was feeling very hungry very hungry hungry. outline according ये story maintain करनी है, ठीक. अब question आ रहा है develop your own story. Your own story based on the moral. On the moral, a bird in hand, is worth two in the bush. ठीक. वर्ड लिमिट आप कितनी भी कर लें लेकिन अपन यहाँ स्टोरी मेंटेन करना सीख रहे हैं तो वर्ड लिमिट कम ज़्यादा भी हो सकती है, राइट. अब हमको क्या करना है, हमको देखना है कि अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी स्टोरी कैसे होती है, ठीक है. क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन देखते हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे स्टोरी मेंटेन करनी है. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन स्टोरी मेंटेन करेंगे इस क्लास में. तो देखिए बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन नोट है. इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है. आउटलाइंस के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन मेंटेन किया हुआ है तो थोड़ी सी हिंट के लिए आपको आएगा या ऐसा हो सकता है या आउटलाइन आपको नीचे आ जाए क्वेश्चन ऊपर आ जाए. राइट ए स्टोरी राइट ए शॉर्ट स्टोरी यूजिंग द आउटलाइंस या यूटिलाइजिंग द आउटलाइंस गिवन बिलो. इस टाइप से क्वेश्चन आए फिर नीचे आपका आउटलाइन दे तो ये क्वेश्चन का ही पार्ट होता है. कई स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि अपन कि सर ये क्वेश्चन ये जो आउटलाइन आई हैं या जो भी हिंट के लिए लाइन्स दी गई हैं कि सर ये स्टोरी ये क्वेश्चन है या ये भी स्टोरी में मेंटेन करना है. हाँ ये स्टोरी में मेंटेन करना है बट ये ध्यान रखना है उन वो हिंट्स हैं हेल्प के लिए आप उनको अपनी लैंग्वेज में यूज़ करिए. डायरेक्ट ऐसा नहीं है आप सेम लाइंस आपको नोट करनी है ये कोई ज़रूरी नहीं है बट आप उन हिंट्स के अकॉर्डिंग उन लाइंस को यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज, राइट. तो आपको क्या करना है देखो यहाँ इस क्वेश्चन में आ जाइए. इस क्वेश्चन में क्या है इट वॉज़ ए हॉट समर डे. ठीक. ये एक बहुत ही गर्मियों का दिन था. अलोन वाज फीलिंग वेरी हंगरी. एक शेर बहुत ही भूख महसूस कर रहा था. इट मींस शेर बहुत ही भूखा था. अब मैंने कहा था एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग प्लॉट होना चाहिए स्टोरी का. तो प्लॉट कैसे आप बना सकते हैं कि एक शेर था जंगल में उसको भूख लगी तो भूख लगेगी तो वो क्या करेगा अपनी डेन अपनी मांद से गुफा से बाहर आएगा इधर उधर तलाश करेगा भोजन की. जो जानवर जो भी एनिमल उसके फॉरेस्ट में उसके क्लोज होगा या उसके जिसको वो कैप्चर कर सकता है एक छोटा सा कोई जानवर लेंगे वो जानवर लिया उसने मान लो एक खरगोश ले लिया. खरगोश उसके कब्जे में आ गया उसने उसको पकड़ लिया. जब खरगोश को पकड़ लिया तो खरगोश ने उससे रिक्वेस्ट किया कि मुझे छोड़ दो मैं छोटा सा जानवर हूँ और मेरे खाने से आपका पेट नहीं भरेगा
तो अब वो जो शेर था वो बहुत ही ज़्यादा भुक्कड़ था, पेटू था, तो वो खाता था, बहुत ज़्यादा खाना चाहिए था उसको। तो वो जब उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए बहुत सारा चारा चाहिए खाने के लिए, बेट चाहिए। तो अब वो बेट उसे मिल नहीं रहा। अब जब वो बेट उसे नहीं मिल रहा तो वो क्या कर रहा था, वो और दूसरे ये सोच रहा था कि क्या करूँ, इसको छोड़ूँ कि क्या करूँ या इसको खाऊं। अब देखो इतने में जैसे वो उस पर झपट्टा मारता है खाने के लिए, वो एकदम से तैयार होता है, तो खरगोश को लगता है कि उसकी लाइफ ख़त्म होने वाली है। लेकिन इतने में बाई गुड लक एक हिरण वहाँ से दौड़कर निकलता है। जब शेर को वो हिरण दिखाई दे जाता है, तो हिरण जब दिखाई दे जाता है तो शेर उसके पीछे दौड़ पड़ता है, वो खरगोश को छोड़ देता है। जब वो खरगोश को छोड़ देता है, इधर वो हिरण की तरफ दौड़ता है। हिरण की तरफ दौड़ता है तो क्या करता है, हिरण इतने में जंगल में गायब हो जाता है, छिप जाता है। अब इधर वो हिरण के पास लिए दौड़ा तो खरगोश छूट गया। अब खरगोश भी वहाँ से भाग गया, जब लौट कर आया खरगोश भी उस स्थान पर नहीं मिला। तो दोनों तरफ से उसके हाथ से उसका खाना चला गया, उसकी शिकार दोनों चली गई। इसीलिए कहा है इस स्टोरी का मॉरल है, अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। ठीक, तो एक हाथ में चिड़िया अच्छी है किन के बजाय, दो झाड़ी में के बजाय। हिंदी में कहावत है, आधी छोड़ साजी को भागे, आधी मिले ना साजी पावे। तो ये कहावत है, तो हम क्या है आधे काम को छोड़कर भागते हैं, ठीक, पूरे काम ज़्यादा लेने के लालच में। तो वो लालच जो है वो हमें ख़त्म कर देता है, हमारा पिछला भी छूट जाता है, या लालच में हम बहुत कुछ अपना जो है हमारे पास उसको भी गंवा देते हैं। इस मोरल को लेकर अपन स्टोरी मेंटेन करेंगे। तो देखो अपन स्टोरी कैसे मेंटेन करेंगे, अपन लेके चलेंगे आंसर। आंसर में क्या होगा, स्टोरी राइटिंग। इस तरह से हेडिंग नोट करेंगे, फिर अपन उसका एक टाइटल देंगे स्टोरी का, द ग्रीडी लॉयन, लालची शेर। लालची शेर, इस तरह से अपन एक हेडिंग देंगे। तो उसमें हेडिंग के बाद अब मैंने आपको बताया था आपको स्टोरी कैसे स्टार्ट करनी है। स्टोरी एक परफेक्ट लैंग्वेज के साथ स्टार्ट करनी है, जैसे वंस अपॉन ए टाइम कॉमा देयर वॉज अ लॉयन। A lion lived in a forest. Forest. तो एक बार एक शेर जंगल में रहता था, ठीक ठीक। One day, it was a very hot summer day। एक दिन ये बहुत ही गर्म गर्मियों का दिन था, तो कह सकते हैं एक बार, ठीक, अपन ऐसे कर सकते हैं समर डे इन द जंगल ऑफ द, आप जंगल का इंट्रोडक्शन दे दो, डम समर डे, ठीक, हॉट समर डे इन द जंगल ऑफ, अब कहाँ का जंगल है, कहीं भी किसी भी इस प्लेस का आप, ठीक, जंगल बता सकते हैं। जैसे अपन ने बता दिया सुंदरवन, सुंदरवनों का जंगल था एक, ठीक। अ लॉयन नेम सेरा द लॉयन, अब द इसलिए लॉयन क्यों लगा रहे हैं, क्यों हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे एक हीरो के तौर पर या मेन करेक्टर के तौर पर, तो द लॉयन कॉमा नेम्ड शेरा, तो लॉयन जिसका नाम शेरा था, ठीक, वॉज फीलिंग वेरी हंग्री दैट डे, वॉज फीलिंग वेरी दैट डे, उस दिन वो बहुत ही भूख महसूस कर रहा था, ठीक,
भूख महसूस कर रहा था, तो ही केम आउट ऑफ हिज डेन, क्यों हमने शेर को नाम दे दिया शेरा, तो हमें इसको क्या कर रहे हैं, पर्सोनिफाइड कर रहे हैं, इसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया, इसको मानव की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो उसको जो हमें प्रोनाउन जितने भी एडजेक्टिव वो सब ह्यूमन बींग्स तरह यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक। तो दैट दैट डे, तो ही केम आउट, ही केम आउट ऑफ हिज डेन एंड सर्च्ड हियर एंड देयर, और वह अपने मांद से गुफा से, तो शेर के लिए अपन डेन यूज करते हैं वो ज़्यादा सूटेबल रहता है, ठीक, केव से ज़्यादा डेन सूटेबल रहता है, तो ही केम आउट ऑफ हिज डेन एंड सर्च हियर एंड देयर, और वह अपनी गुफा से बाहर आया और उसने यहाँ वहाँ अपना तलाश किया। सडनली हिज आइज कॉट साइट ऑफ ए, सडनली अचानक, अचानक सडनली हिज आइज कॉट, हिज आइज कॉट, उसकी आंखें, ठीक, हिज आइज कॉट साइट ऑफ ऑफ, तो उसकी आंखें उसकी नजरों में कौन आया, ऑफ ए लिटिल हेयर, तो एक छोटा सा खरगोश, तो अपन लिटिल कह सकते हैं स्मॉल कह सकते हैं, तो उसकी नज़रों में एक छोटा सा खरगोश आया। शीरा पाउंस्ड अपॉन, तो उसने देखा, ठीक, शीरा रस्ट, शीरा आनन फानन में दौड़ा, एंड और क्या, पाउंस्ड, पाउंस्ड जानते हो, पाउंस्ड माने उछलना, एंड पाउंस्ड और उछल पड़ा, और उछल पड़ा, ठीक, अपॉन द हेयर, अपॉन द हेयर क्यों जोड़ा, अपॉन द हेयर किस पर, खरगोश पर, ठीक है, ठीक, एक वर्ड आया लें कैसे, आनन फानन दौड़ा और वो चुपचाप से, और चुपचाप से मतलब स्टील्थली चुपचाप से खरगोश पर दौड़ पड़ा, सॉरी झपट पड़ा, एंड गॉट होल्ड ऑफ इट, और इस पर पकड़ बना ली, एंड गॉट होल्ड ऑफ इट, और इस पर पकड़ बना ली, तो वे अचानक से गया, ठीक, आनन फानन में, और उसने चुपचाप से उस पर उछला और उछल के चुपचाप से पकड़ बना ली, पकड़ लिया उसे। अच्छा, पुअर हियर प्लीडेड, अब देखो क्या होगा, यहाँ कहानी आ रही है कि उस बेचारे खरगोश ने, पुअर हियर प्लीडेड, बेचारे खरगोश ने आग्रह किया, ठीक, एंड शेयर दैट, एंड सेड, और कहा दैट कि, बेचारे खरगोश ने आग्रह किया और कहा कि, अब आगे क्या कहा उसने, कि ही अलोन कुड नॉट फिल द, दैट ही अलोन, कि वह अकेला, कुडंट फिल द लॉयंस हंगर, लॉयंस हंगर या लॉयंस टमी, ठीक, शेर की भूख या शेर का पेट वो अकेला नहीं भर सकता था, इसलिए उसने क्या कहा, आग्रह किया कि वो शेर की भूख अकेला नहीं भर सकता था, कि वो छोटा सा जानवर था, अपन ने बोला ना एक लिटिल, ठीक है, हेयर, छोटा सा खरगोश, ठीक, द हेयर सजेस्टेड शेरा, तो देखो क्या वो चालाकी करेगा, तो द हेयर सजेस्टेड शेरा, एस कैपिटल रखेंगे, द हेयर सजेस्टेड शेरा, तो देखो वो सुझाव दिया उसने, चालाकी चलाई कि उसने, खरगोश ने शेरा को सुझाव दिया, क्या सुझाव देता है वो, टू लुक आउट फॉर ए बिगर एंड, सुझाव दिया टू लुक आउट, लुक आउट फॉर ए बिगर एंड बेटर
बेट, ठीक, बिगर एंड बेटर बेट। तो उसने सुझाव दिया सेरा के लिए कि वो लुकआउट वो तलाश करे फॉर ए बिगर, एक बड़े, बिगर कंपेटिटिव डिग्री है, वो खुद के लिए बोल रहा है कि मुझसे बड़ा, तो बिगर एक और बड़ा, एंड बेटर और बेहतर, बेट माने चारा, खाने की वस्तु, ठीक, बेट, दैट कुड जो क्या कर सके, जो तृप्त कर सके, भूख को तृप्त किया जाता, क्या किया जाता है, संतृप्त किया जाता है, इसका एक वर्ड होता है इंग्लिश में सेटिएट, ठीक, जो सेटिस्फाई से ही बना है, सेटिएट, जो क्या कर सके, सेटिएट, जो संतृप्त कर सके हिज हंगर, उसकी भूख को, किसे, उसकी भूख को, हिज हंगर, उसकी भूख को संतृप्त कर सके। अच्छा, सीरा डिड नॉट लिसन टू हिज वर्ड्स, तो देखो सीरा को क्या भूख ज्यादा लग रही थी उस शेर को, तो उसने क्या किया, सीरा डिड नॉट लिसन हिज वर्ड्स, सीरा ने उसके शब्दों को नहीं सुना, सीरा ने उसके शब्दों को नहीं सुना, एंड और एज ही वाज अबाउट टू किल, एंड एज ही वॉज अबाउट टू किल द हेयर, और जैसे ही वो खरगोश को मारने वाला था या मारने को हुआ, तो देखिए क्या होता है, अ डियर रेन दैट वे कॉमा ए डियर, सीन यही था, ए डियर रेन दैट वे, उसी मार्ग से एक क्या दौड़ा, हिरण दौड़ा, ठीक, द ग्लूटोनस मीन्स पेटू भुक्कड़, ठीक, लॉयन रिकॉल्ड तो उस भुक्कड़ शेर को याद आया, क्या याद आया, द हेयर्स एडवाइस एंड थॉट, रिकॉल्ड द हेयर्स एडवाइस, हेयर्स एडवाइस एंड थॉट, तो उस भुक्कड़ शेर को, पेटू शेर को, रिकॉल्ड द हेयर्स एडवाइस, खरगोश की सलाह याद आई, एंड थॉट, और उसने सोचा, क्या सोचा साहब, देखिए, दैट इंस्टीड ऑफ ईटिंग दैट स्मॉल, उसने सोचा दैट की इंस्टीड ऑफ ईटिंग, क्या, खाने की बजाय, किसे खाने की बजाय, दैट स्मॉल हेयर, उस छोटे खरगोश को खाने की बजाय, उस छोटे से खरगोश को खाने की बजाय, ही मस्ट ईट द बिग डियर, ही मस्ट ईट, उसे खाना चाहिए, किसे, द बिग डियर, उसे क्या खाना चाहिए, वो कह रहा है ही मस्ट ईट द बिग डियर, उसे बड़े हिरण को खाना चाहिए, किसके स्थान पर, खरगोश के स्थान पर, ठीक। अच्छा, अब देखिए वो क्या करता है, ही डिसाइडेड टू लेट द हेयर गो, और उसने क्या किया, गलती की ना, यहां गलती की, यहां लालच आ गया उसका, ग्रीडनेस, कि ही डिसाइडेड टू लेट द डियर गो, कि उसने उस हिरण को जाने दिया या जाने देने का निश्चय किया, उसने डिसाइड किया कि हिरण को जाने दिया जाए, ठीक, एंड और रस्ट बिहाइंड द डियर, और एंड और रस्ट बिहाइंड द डियर, सॉरी यहां डियर नहीं आएगा, यहां हेयर आएगा, खरगोश, ही डिसाइडेड टू लेट द हेयर, यहाँ खरगोश आएगा, उसने खरगोश को जाने देने का निश्चय किया, एंड रस्ट बिहाइंड द डियर, और हिरण के पीछे दौड़ा, खरगोश को तो छोड़ दिया और हिरण के पीछे दौड़ा, ठीक,
तो छोटे उसको छोड़ दिया और बड़े के पीछे दौड़ा, इसका मतलब है वो ग्रीडीनेस में आ गया, अब वो लालच में आ गया। बट बाय देन द डियर हैड ऑलरेडी वैनिश्ड, देखो फिर बात आ रही, लेकिन तब तक बाय देन लेकिन तब तक क्या हुआ, द डियर हैड वैनिश्ड, हिरण गायब हो चुका था, वैनिश मींस गायब हो जाना, दिखाई नहीं देना, ठीक, इन टू द फॉरेस्ट। ठीक, अपन ऐसे भी कर सकते हैं, हैड ऑलरेडी, पहले ही, एक वर्ड और लगा दें, ऑलरेडी वैनिश्ड इन द फॉरेस्ट, वैनिश्ड इन द फॉरेस्ट, कि वो पहले ही जंगल में गायब हो चुका था, कौन, हिरण। द लॉयन नाउ फेल्ट सॉरी, तो देखो इधर खरगोश चला गया, इधर हिरण भी चला गया, अब द लॉयन, अब कह सकते हैं द लॉयन नाउ फेल्ट सॉरी, अब शेर को दुख महसूस हुआ, ठीक, फॉर लेटिंग द हेयर ऑफ, किसके लिए, फॉर लेटिंग द हेयर ऑफ, किसको जाने देने के लिए, लेटिंग द हेयर ऑफ, उस खरगोश को जाने देने के लिए, अब उसे दुख हुआ, इसका मतलब है वो बहुत पछताया, बहुत दुख हुआ, अब वो छोटे से लालच के चक्कर में रह गया। तो मैंने बोला था रीजनेबल शब्द होने चाहिए, लैंग्वेज का सही कनेक्शन होना चाहिए, इंसिडेंट टू इंसिडेंट्स में होना चाहिए, राइट। अब यहाँ मोरल क्या आता है, मोरल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप यहाँ इस मोरल को नोट करें, मोरल, ठीक, दिया हुआ है, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बस, ये आपका मोरल हो जाएगा। तो मैं बोल रहा था कि आपको ज़्यादा नहीं है, अब देखो ये स्टोरी पूरी कितने करेक्टर्स में गिरी है, एक इसमें लॉयन है और एक हेयर है, एक शेर है और एक खरगोश है, तीसरा थोड़े टाइम के लिए एक डियर आता है हिरण, वो छोटा सा करेक्टर है, वो इस स्टोरी में फिट होना ही था, बिकॉज उसकी ग्रीडीनेस उससे क्लियर होती है। पहले थॉट अपना राइटर का थॉट क्लियर हो रहा है कि हम एक लॉयन की ग्रीडीनेस को बता रहे हैं, डियर और हेयर के बीच में, खरगोश और हिरण के बीच में उसको क्रिएट करके, सीन क्रिएट करके बता रहे हैं। अच्छा, ऊपर से हमारा देखिए टोटल, अब ये पूरा का पूरा पास्ट टेंस है, ठीक, और हर जगह आपको पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म मिलेगी पूरी स्टोरी के अंदर। और दूसरी चीज़, पास्ट टेंस के साथ साथ इवेंट का सीक्वेंस है, सारे इवेंट्स का सीक्वेंस है, कैपिटल स्मॉल लेटर्स हैं, वर्ड्स का सीक्वेंस है, सेंटेंस के अंदर वर्ड्स का सीक्वेंस है, और लैंग्वेज में सेंटेंसेस का सीक्वेंस है, कंप्लीट लैंग्वेजेस में, ठीक। तो तीन सीक्वेंस याद रखने हैं, एक वर्ड सीक्वेंस, एक सेंटेंस सीक्वेंस एंड एक इवेंट सीक्वेंस। तो ये तीनों क्या होते हैं, वाक्य में शब्दों का क्रम और पूरी अपनी भाषा में वाक्यों का क्रम, और उसके बाद करेक्ट प्लॉट के लिए इवेंट्स का सीक्वेंस, ठीक है, उसमें घटनाओं का क्रम, ये होना स्टोरी के अंदर बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ अपन क्या है, प्लॉट इंटरेस्टिंग बना दिया, क्योंकि वो एक स्टोरी हमने क्रिएट कर दी, एक शेर खरगोश दो करेक्टर ले लिए, मैंने बोला ना आप मोर देन सॉरी मिनिमम टू रखें, टू में क्या होता है, टू में कनेक्शन करेक्टर्स के बीच के जो एक्शन हैं उनमें कनेक्शन अच्छा हो जाता है, इसलिए टू करेक्टर्स इसमें हमने रखे। और आपकी आप बस ये ध्यान रखें, ऐसा हो सकता है अगली स्टोरी में क्वेश्चन ऊपर दे रखा हो और नीचे आपको हिंट के लिए लाइनें दे रखी हूँ, वो क्वेश्चन का ही पार्ट होगा, उसके बाद फिर हमको स्टोरी मेंटेन करनी है, या तो हम यहाँ लास्ट में आकर अपन क्या कर सकते हैं, मोरल नोट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस तरह से मोरल
हेडिंग डाल के मोरल यहाँ नोट कर सकते हैं, जो मोरल का सेंस हमारा निकलना चाहिए स्टोरी के अंदर, जिसे हम क्लाइमैक्स कहते हैं। क्लाइमैक्स में मोरल अपने आप निकल के आ जाता है। जैसे स्टोरी का क्लाइमैक्स क्या है, एंड में क्या किया उसने, हिरण को जाने दिया, सॉरी हिरण के पीछे भागा, खरगोश को छोड़ दिया, तो निकल के आ गया ना, अपने आप मोरल आ गया। क्या मोरल है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। भाई झाड़ी में दो चिड़िया वो हमारे किस काम की, जो हमारे हाथ में वही हमारे काम की, अगर उसको भी जाने देंगे उनके चक्कर में तो झाड़ी वाली तो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे, इधर वो भी चली जाएगी। वही शेर के साथ हुआ। तो इस तरह से एक मोरल बनाते हुए अपन स्टोरी मेंटेन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, अपन उनका डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो इसी लाइन माधव, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए लायन लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, वन डे इट वाज अ वेरी हॉट समर डे इन द जंगल ऑफ सुंदर वंस, द लायन नेम्ड शेरा वाज फीलिंग वेरी हंग्री दैट डे, ही केम आउट ऑफ हिज डेन, डेन मीन्स मांद। तो देखो ऐसे अपन इनको अलग देख लें, मांद, मांद का मतलब होता है गुफा, ठीक। सर्च सडनली हिज आइज, देखो यहाँ आइज लेफ्ट हो गया, नोट करते हुए, हिज आइज कॉट साइट, हिज आइज कॉट साइट ऑफ ए लिटिल हेयर, वह आइज वर्ड नोट होगा, शेरा रस्ट, रस्ट मीन्स मीन्स दौड़ा, ठीक, वो भी कैसे आनन फानन में, पाउंस्ड, पाउंस्ड मीन्स जंप्ड, उछला, या अपन कह सकते हैं झपटा, हम झपटा भी कह सकते हैं कि वो एकदम से झपटा, पाउंस अपॉन झपटा, ठीक। और हियर स्टिल्थली, स्टिल्थली मीन्स क्वाइटली, मीन्स चुपचाप, चुपचाप। इधर आ जाइए, फिर अपन बात करते प्लीडेड, प्लीडेड मीन्स बैग्ड, बैग्ड मीन्स आग्रह किया, ठीक। रस्ट मीन्स आप कह सकते हैं रेन, दौड़ा, ठीक। इन्हें हरी, जल्द तुरंत उसको कहते हैं दौड़ा, ठीक। देन केव, यस आ जाइए, प्लीडेड कुड नॉट फिल लॉन्स टमी, टमी जानते हैं आप स्टोमक, टमी पेट, पेट भरना, लुक आउट बिगर बेटर बेट, बेट 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 मीन्स फूड, यहाँ फूड के लिए है, बट ये चारा, कई बार ये ग्रीडीनेस के लिए भी आता है, लालच के लिए भी आता है। सेटिएट, सेटिस्फाई, संतृप्त, संतृप्त करना, हंगर भूख, ग्लूटोनस, एक वर्ड आया आपका ग्लूटोनस, इसका मतलब है पेटू, भुक्कड़, पेटू को भूख से मतलब है ज़्यादा भूखा रहने वाला। रिकॉल्ड मीन्स रिकॉल्ड, याद किया, इसको अपन कह सकते हैं रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड, ठीक। इस तरह से कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो आपको वेनिस्ट, वेनिस्ट मीन्स डिसअपीयर, वेनिस्ट हो सकता है डिसअपीयर, गायब हो गया, हो गया। इस तरह से कुछ हार्ड वर्ड्स हैं तो हम इनको देखते हुए स्टोरी को हम मेंटेन करेंगे, और स्टोरी में हम देखेंगे कि मोस्टली पास्ट टेंस का यूज़ किया जाएगा, और इस तरह से आपकी स्टोरी मेंटेन हो जाएगी। और आज की क्लास इतनी, थैंक यू।